अरुण्स क्रिएशन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको घुमाने एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जो बहुत प्राचीन है, बहुत प्रसिद्ध है, और ये जगह है देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में, बागेश्वर जिले का बागनाथ मंदिर। ये जगह बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भगवान शिव और पार्वती दोनों आए थे, तो तब से ये मंदिर की स्थापना की गई और ऐसा माना जाता है कि चंद शासकों ने उसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आइए हम आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं और उत्तराखंड की इस उत्तराखंड के एक पवित्र स्थल के बारे में और अधिक जानकारियां आपको देते हैं। चलिए, यहाँ पर छोटे छोटे और अनेक मंदिर हैं। ये अपनी स्थापत्य कला के लिए भी ये बागनाथ का मंदिर जाना जाता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मुख्य मंदिर है और इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे गुंबद जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी स्थापत्य कला के लिए भी ये मंदिर जाना जाता है। ये जो बागेश्वर है, इसका मूल रूप से नाम ब्यागेश्वर है, ब्यागेश्वर, जो कि बाद में बागेश्वर नाम से फेमस हो गया। तो ये मार्कंडेय ऋषि की जो है तप भूमि है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जो है शिला में बैठकर तपस्या कर रहे थे, इनके गंगा का प्रवाह वहाँ पर जो है मुनि, तो इनके जो शिष्य थे उनने वहाँ गंगा का प्रवाह रोक दिया ऊपर कि ये कहीं बहने जाए कर। तो अब हाहाकार मर गया लोगों में कि अब ये पानी के बिना जो है गंगा रुक गई वहाँ पर, अब आगे तो लोग मर जाएंगे भी पानी के बिना। तो फिर शिव जी ने कहा है अभी इनकी तपस्या खत्म करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बाघ का रूप लिया और गौरा जी ने गाय का रूप लिया। तो अब वो बाघ और गाय में कुछ जो खाने के लिए जाता है, गुरुकुल कराता। तो उन्होंने कहा यार, अब एक ये जो ऋषि ने कहा कि मेरे सामने गाय का वो हो जाता है, मतलब बाघ मारता है, उसको बचाने के लिए गए वो, तो गंगा का प्रवाह चल दिया। तो इसलिए तो उसके शिव जी यहाँ बागेश्वर के रूप में मौजूद थे। ये 1602 में इसको जो है ये राजा लक्ष्मीचंद जी ने इसको इसका ये पुनर्निर्माण कराया है। ऐसे 7वीं शताब्दी का मंदिर हुआ है, 7th century का मंदिर है। और 1602 ईस्वी में जो है राजा लक्ष्मीचंद जी ने इसका जो है जीर्णोद्धार किया है फिर से। लेकिन मूल रूप से यह 7वीं शताब्दी का मंदिर हुआ। और आपको मूर्ति दिखाई वहाँ, वहाँ पे है मूर्ति भी है, देख लो। हाँ, ओके, इतना ही आओ। ठीक, धन्यवाद। ये बागेश्वर का भैरवनाथ मंदिर है और ये मंदिर भी बागनाथ मंदिर का ही एक हिस्सा है और यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है। ये जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये मंदिर के एक भवन में संरक्षित की गई हैं और ऐसा हमें बताया गया है कि ये 7वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा संरक्षित करके इस स्थान पर रखा गया है। ये जो शेर जैसा मुँह आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो अंदर मंदिर के अंदर जब भगवान शिव पर पानी चढ़ाया जाता है तो पानी यहाँ से बाहर निकलता है। आप देखिए, उस ज़माने में आज से हजारों साल पहले भी लोग
शायद जल संरक्षण के बारे में कितना अधिक सोचते थे कि इस तरह की चीज़ों की स्थापना की गई, ऐसे मंदिर बनाया गया कि बिल्कुल भी पानी का बर्बाद ना हो। ये हमारे पुरखों के पानी बचाने के लिए वो क्या सोचते थे और किस तरह कार्य करते थे, इस बात का प्रमाण है। आप देख सकते हैं अंदर जो भी अंदर पानी चढ़ाएगा वो बाहर निकल के आएगा और यहाँ से उस पानी को संरक्षित किया जा सकता है। अभी आपने देखा ये बागनाथ का मंदिर है और जो हमने अभी तक जो आपने चित्र देखे वो प्राचीन मंदिर के हैं। और अभी आप सामने देख सकते हैं ये शिव जी की एक भव्य मूर्ति बना रखी है। ये नया निर्माण हो रहा है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे, बहुत सारी हम कह सकते हैं कि तरक्की हो रही है यहाँ पर। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूँ, आप यहाँ आइए, मंदिर को देखिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें संदेश भेजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।